क्वेश्चन है, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्किंग एज ए कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर है, करंट गेन इज 0.96 एंड द एमिटर करंट इज 7.2 मिली एम्पियर, द बेस करंट इज, बेस करंट हमें बताना है क्या होगा। ओके, करंट हमें गेन दे रखा है तो ये क्या होगा, हमारे पास कॉमन बेस है तो आईसी बाय में आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0.96, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी आईसी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.96 इंटू में आई ये में दे रखा है 7.2 मिली एम्पीयर, तो इंटू में क्या आ जाएगा 7.2, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.912 हमारे पास क्या आ गया मिली एम्पीयर करंट ऑफ क्लस्टर करंट हमारे पास आ गया। हमें पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है आईसी प्लस आई बी, हमें निकालना है आई बी, हमें निकालना है क्या होगा बेस करंट बताना है, तो आई कितना है हमारे पास 7.2 मिली एम्पीयर इक्वल टू आई सी हमें पता है कितना 6.912 प्लस आई बी हमारे पास आ जाएगा, तो आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.2 माइनस 6.912, तो यानी कि आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.288, तो आई बी अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 0.29, तो आई बी हमारे पास कितना आ गया 0.29। करंट गेन पता है हमें क्या होता है कलेक्टर करंट डिवाइड बाय एमिटर करंट, ये दे रखा था हमें 0.96, यहाँ से हमने कलेक्टर करंट निकाल लिया। फिर हमें पता है कि जो हमारे पास एमिटर करंट होता है वो क्या होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बेस करंट 0.29 मिली एम्पीयर। दिस इज अ क्वेश्चन।